अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ज़रा मेरी मसरूफियत आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे जेठ आए हुए हैं सिंगापुर से, जैसे कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा। और ये मेरी समर की हमारे पिकनिक की व्लॉग है, इसको मैं अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई। तो ये BQ फार्म हाउस है, बहुत अच्छा। यहाँ पर हमने जो है नाइट स्टे किया था और अभी इस वक्त शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम सारे पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोगों ने घर में बर्गर बनाए थे वो और चाय हम लोग पी के फिर हम पूल में उतरते, लेकिन हमारे जो घर के मर्द हजरात हैं वो जो है उनसे वेट नहीं हुआ और वो लोग पूल में उतर गए। अच्छा, लास्ट टाइम वाला जो हमारा पूल था वो बहुत डीप था तो डर भी लग रहा था बच्चों के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों का सेपरेट है और बड़ों का अलग था। 6 फिट का होगा बड़ों का अप्रॉक्सीमेटली, और बच्चों का जो है वो 3 फिट का था। तो ये कि बहुत अच्छा और छोटा, और सबसे अच्छी बात गहरा कम था हम लेडीज़ के लिए स्पेशली। तो पहले तो हमारे मर्द हजरात उतर चुके थे पानी में, फिर हम लोग थोड़ा सा ठहर के उतरे हैं। हम लोग थोड़ा सा खाने का अरेंजमेंट दिख रहे थे, चाय बनाना और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट निकाल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने देख बनवाई थी तो खाना तो हम लोग 9-10 बजे तक खाते, क्योंकि ज़ाहिर रात भर रुकना था। और ये दूसरा पूल है, ये बच्चों का है 3 फिट का। इसमें देखें, ये दोनों मेरे बच्चे, मेरी जेठ की बेटी और मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके पूल में उतरे हुए हैं, लेकिन इसमें भी मेरे दोनों बच्चे डूब गए थे क्योंकि स्लिपरी था और ज़ाहिर बच्चों से बैलेंस नहीं हो पाता। तो मेरा बेटा भी डूब गया था, बेटी को तो मैंने निकाला बहरहाल। और ये जो है दूसरा एरिया है जहाँ पे स्नोकर था और 2 बहुत ही लग्जरी बेडरूम्स थे, और हर बेडरूम में जो है अटैच बाथरूम था, बहुत ही लग्जरी। और ये कैरम है, और लास्ट टाइम वाला जो है बहुत बड़ा था तो वहाँ पे थोड़ा खौफ भी आ रहा था और बारिश का सीज़न था, तो वो बारिश के सीज़न तो वैसे ही बुरा लग रहा होता है, लेकिन ये वाला फार्म हाउस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने 4:30 बल्कि 4:30-5 बजे हम लोग चले गए थे घर, नाश्ता करके हम लोग घर निकल गए थे और बहुत मज़ा आया। और वहाँ पे स्पेशली झूले बहुत अच्छे थे, बच्चों के लिए स्लाइड थी और बड़ों के लिए वो रस्सी वाला झूला जो कहलाता है वो था। तो मैं तो जब मुझे टाइम मिल रहा था मैं तो उसी पे बैठ रही थी, क्योंकि पूल में हम लोग 2 ही दफ़ा उतरे हैं क्योंकि बच्चों का साथ था छोटे, और फिर गीले कपड़े हो रहे हैं तो सुखाने के लिए 2-2, 3-3 जोड़ी हम लोग कपड़े लेके गए थे। तो बहुत इन्जॉय किया सबने, और मर्द हजरात तो हमारे 3:30-4 तक भी पूल में ही थे, लेकिन लेडीज़ जो थी वो बाहर आ गई थी और बच्चे भी थे छोटे क्योंकि रात का वक्त था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा गेम खेला। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।